स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसी के मद्देनजर सीओ कैंट प्रभात राय के नेतृत्व में सिविल लाइन स्थित सिटी मॉल की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान एलआईयू की टीम, डॉग स्क्वाड सहित इंस्पेक्टर कैंट और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान मॉल के शॉप, रेस्टोरेंट सहित SRS सिनेमा की भी चेकिंग किया गया। इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिली। चेकिंग के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट प्रभात राय ने बताया। तो तू और आहिस्ता आहिस्ता मारा जाएगा। उमर भाई सुरक्षा लगे, आप लोग लगे कि हम लोग भी बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं, पुलिस हम लोग सुरक्षा कर रही है। इस पर वो तुम्हें कॉल करेंगे और वो रहा तुम्हारा बॉक्स गिफ्ट। को दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग अभियान चल रहा है, जो लगातार 2 दिन से अभियान चल रहा है। मुख्यतः जो है मॉल, सिटी मॉल में और प्लस होटल और ढाबा और ये रोडवेज, रेलवे स्टेशंस, ये इस प्रकार के सभी स्थानों पर चेकिंग किया जा रहा है कि कोई ऐसा संदिग्ध पर्सन जिसके पास कोई अवैध सामान हो उनको गिरफ्तार किया जा सके, जिससे कि सभी लोगों को ये लगे कि हम एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और इसके लिए हमने LI विभाग को भी लगाया है, जो सादे वस्त्रों में प्रत्येक ऐसे स्थलों पर चेकिंग लगातार कर रहे हैं, और इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड भी लगा हुआ है। इस प्रकार हम लोग एक बहुत ही अच्छे तरीके से चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिससे कि हर आम नागरिक को, हर लोगों को यह एहसास हो सके कि वो एक अच्छे, बहुत ही स्वस्थ माहौल और बहुत ही सुरक्षित माहौल में 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। क्या अभी तक इस तरह का संदिग्ध नहीं, अभी तक हमारे चेकिंग से अभी ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही अगर कोई मिलता है तो उस पर हम लोग बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेंगे।